हाउ टू सेव टिकटॉक वीडियोस विदाउट वाटरमार्क। अगर आप टिकटॉक के वीडियोस विदाउट वाटरमार्क अगर आप सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टिकटॉक की वीडियो मैं सेव करूं लेकिन ऊपर में कोई टिकटॉक लिखा हुआ ना आए, या फिर जब वीडियो खत्म होता है तो पीछे में जो यूजर नेम और उसके डिटेल्स आती हैं वो भी ना आए, यानी सिंपल क्लियर क्लीन आपके पास वीडियो आए और उस वीडियो को आप जिस भी किसी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हो या फिर किसी फ्रेंड और फैमिली को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है टिकटॉक की वीडियोज़ जो है किस लिए डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे समझदार आदमी लोग अभी तक समझ गए होंगे। अगर वो समझ गए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बता देना ताकि और लोग को भी समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकता कि क्यों जो है टिकटॉक की वीडियो विदाउट वाटरमार्क के लोग डाउनलोड करते हैं और कैसे इससे पैसे कमाते हैं, पूरे बातों में नहीं बता सकता। जिन लोगों को समझ में आ गया है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलो अब फटाफट जान लेते हैं कि कैसे हम जो है बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए बहुत ही चुटकियों में किसी भी टिकटॉक की वीडियो को जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी वाटरमार्क। ठीक है, और देखो, और इससे पहले और एक मैं चीज़ मैं बता दूं, आप जो है गूगल प्ले स्टोर में भी जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे जो टिकटॉक की वीडियोज़ को आपको डाउनलोड करके देंगे, लेकिन उसमें क्या है सबसे बड़ा परेशानी है ये है कि उसमें जो बहुत ऐड आते हैं, हर स्टेप में जाओगे तो ऐड आएंगे और इतने ऐड आते हैं कि आपको जो है यूज़ करने में मज़ा भी नहीं आएगा और वो थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के जो है मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको जो है अपने मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ और ले चल के जो है मैं अपने टिकटॉक के अकाउंट में खोलता हूँ। जैसे कि साइड में देख पा रहोगे कि मैं जो है अपने टिकटॉक के अकाउंट में आ चुका हूँ। अब टिकटॉक के अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे वीडियोस आपके पास सामने आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो, ठीक है चलो यही वीडियो मान लो, जैसे ये वाली वीडियो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब इसको जो है मुझे डाउनलोड करना है बिना किसी वाटरमार्क के। इस वीडियो में देखोगे जब डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में वाटरमार्क आता है, फिर साइड में वाटरमार्क आता है। मैं दोनों को ही डाउनलोड करके मैं दोनों को कंपेयर करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है थ्री डॉट वाले में जो है यहाँ पे थ्री डॉट वाले में मैं क्लिक करता हूँ और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सेव वीडियोज़ है। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे तो इसमें वाटरमार्क आएगा। अब आपको बिना वाटरमार्क में दिखाता हूँ, तो इसको मैं भी सेव कर देता हूँ ताकि ये मेरे गैलरी में जाके भी सेव हो जाए या जहाँ से मैं आपको मैं दिखा सकूँ कंपेयर करके। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो ये वाली वीडियो जो हमने सेव कर दिया है, अब ये वीडियो सेव किया रहेगा तो इसमें देखना टिकटॉक लिखा हुआ आएगा। अब देखो अब करना क्या है, अब वापस से जो है मैं यहाँ पे जो है थ्री डॉट में जाता हूँ और थ्री डॉट में जाकर देखो कॉपी लिंक है, कॉपी लिंक में मैं क्लिक करता हूँ। अब कॉपी लिंक में क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो चुका है लिंक, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में, कोई ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। और गूगल में जाने के बाद आपको जो है सिंपल से आपको जो है लिखना है SSS टिकटॉक। ठीक है, अगर आप गूगल में जाके लिखोगे कि डाउनलोड टिकटॉक वीडियोस विदाउट वाटरमार्क तो बहुत सारे आपके पास जो है वेबसाइट आएंगे, किसी भी वेबसाइट से आप ये कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो जैसे कि मैं ये वाली वेबसाइट से मैं खोलता हूँ SSS टिकटॉक, इसमें खोलने के बाद देखो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी जो लिंक किया था, अब यहाँ पे थोड़ा इधर प्रेस करके इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आप जो है नीचे में आओगे तो देखोगे इस नीचे में इसका जो है डाउनलोड का लिंक इसमें चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, अब थोड़ा सा वेट करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखो ये डाउनलोड वाला लिंक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे में ये वाला जो है इसमें डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। देखो विथ वाटरमार्क विदाउट वाटरमार्क, हमको जो है विदाउट वाटरमार्क चाहिए, विथ वाटरमार्क तो टिकटॉक के मेन से ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो विदाउट वाटरमार्क में मुझे डाउनलोड में मुझे क्लिक करना है। अब डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये वीडियो चलना आपका स्टार्ट हो गया है। अब चलने के बाद आपको क्या करना है, एक बार ऐसे क्लिक करना है और नीचे में देखो थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा, थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड वाले में आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही डाउनलोड वाले में क्लिक करोगे यहाँ पे फिर डाउनलोड आएगा, डाउनलोड को क्लिक कर देना है। अब ये आपके जो है गूगल क्रोम के डाउनलोड में जाके आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन के गैलरी में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको खोजने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, यानी आपको परेशानी नहीं होगा। तो डिटेल्स में जाकर मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ जो ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको जो है गैलरी में ले चलता हूँ, गैलरी में ले चल कर दोनों ही वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। वीडियोज़ में गए और वीडियोज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास जो है दो वीडियोस हैं। ठीक है, पहले मैं एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कैमरास में गया, देखो ये वाला जैसे मैं प्ले करता हूँ, साउंड इसको मैं कम कर देता हूँ, देखो ये वाली वीडियो जो प्ले हो रहा है तो यहाँ पे देखो ऊपर में ये जो है टिकटॉक लिखा हुआ है, जो हमने ओरिजिनल जो है टिकटॉक के ऐप से हमने जो डाउनलोड किया था, देखो नीचे में भी टिकटॉक लिखा हुआ रहा है। अब ये जो ख़त्म होगा देखो यहाँ पर भी ये टिकटॉक लिखा हुआ रहा है। ठीक है, तो हमको भाई ये सब चीज़ पसंद नहीं है हमको। ठीक है, तो हमने जो किया था ये देखो डाउनलोड में किया था ना मैंने, देखो डाउनलोड, अब डाउनलोड मैंने क्लिक करता हूँ, अब इसमें क्लिक किया, अब इसको मैंने प्ले किया, अब देखो
ये है मैजिक। इसमें देखो कहीं भी टिकटॉक का कहीं लिखा रहा है आपको, देखो अभी सामने आपको मैंने लाइव प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। और ये जब वीडियो जब खत्म होगा तो पीछे में वो यूजर नेम का जो आता है वो भी कुछ नहीं आएगा, यानी सिंपल क्लियर जो है अच्छी क्वालिटी में आप जो है वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप जो है अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म में आप शेयर कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो, या फिर एडिटिंग में या अपनी वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।